बड़ी खबर आ रही है सूरजपुर से, जहां पर नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप की खबर मिली है। यहां पर फेसबुक दोस्त है आरोपी और फेसबुक पर दोस्ती कर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। विश्रामपुर थाना इलाके की पूरी घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है सूरजपुर से, जहां पर नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप की सूचना मिली है और यहाँ पर फेसबुक के जरिए पहले दोस्ती की गई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और विश्रामपुर थाना इलाके का पूरा ये मामला है। अब पुलिस फेसबुक पर जिन्होंने दोस्ती की थी जिन लोगों ने, उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है और उनकी तलाश कर रही है। नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ ये गैंगरेप हुआ है और फेसबुक पर पहले दोस्ती की गई, उसके बाद उसे बहलाया फुसलाया और नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जो फेसबुक के जरिए जिन्होंने दोस्ती की थी उन युवकों की तलाश में जुट गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सूरजपुर से दिलशाद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलशाद, जिस तरह देखा जाए कि इस वारदात में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, क्या मामला पूरा है? जी बताना चाहूंगा कि पहले तो फेसबुक के साथ फ्रेंडशिप किया गया, फिर दो दोस्त बने, बस लड़की को वहाँ बुलाया गया, फिर उसके साथ वो उसे जो लड़की उसके दोस्त है उनके साथ उस लड़कों ने उसके साथ मिलकर गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर दिया और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस तरह से नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ इस तरह से जो समाज गैंगरेप हुआ, उसके बाद पूरे जिले में युवा पुलिस इस मामले को पूरा गंभीरता से ले रही है और पूरे मामले को जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलशाद इस जानकारी के लिए।